हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पर्यावरण अध्ययन के पिछले वर्ष में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने पर्यावरण का शायद कल ही मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसे भी देखें। तो आइए शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि पिछले साल में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कालरा, जुखाम या फिर मलेरिया। तो वायरस से कौन सा रोग होता है आप सभी जानते होंगे, जैसे किसी को जुखाम हो जाता है तो वो वायरस से होता है, ठीक है। जैसे एक को जुखाम हुआ तो दूसरे को भी जुखाम हो जाता है, वो वायरस से फैलने वाला रोग होता है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुखाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भारत में जो कृषि को प्रभावित करेगा वो तापमान, ठीक है। तापमान जो है वो भारत में कृषि को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न क्या है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या फिर अयनमंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत होती है वो मध्यमंडल होती है, ठीक है, मध्यमंडल। और इसका तापमान कितना होता है, तो यहाँ का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के जितने तापमान होता है, ठीक है। और जो समतापमंडल होता है वहाँ वायुयान उड़ते हैं, वहाँ पर जो है हमेशा ताप स्थिर रहता है। और जो क्षोभ मंडल होता है उसे मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मौसम जो है बदलता रहता है हमेशा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1973, 1982, 1992, 1996। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो 1973 में हुई थी, ठीक है, 1973 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यमोत्तर रेखा। तो उस रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री पर खींची गई है, उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। तो ग्रीन हाउस कौन सी है, ग्रीन हाउस है मीथेन, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है मीथेन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप पिछले सन के पेपर उठा के देखिए तो ये सारे प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे, मेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो जो किसान का मित्र होता है वो केंचुआ होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो जो है मिट्टी को नीचे से ऊपर लाता रहता है, जिससे जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है और हवा वगैरह, हवा प्रकाश सब नीचे तक पहुंचता रहता है। तो इस तरीके से जो है केचुआ जो है वो किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो बताएं, गुजरात में भी जो है समुद्री सीमा है, गोवा में भी है और महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान जो राज्य है उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, किस नदी के प्रदूषण स्तर, यानी किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किससे करी जाती है, ATP से, STP से, बॉड से, यानी BOD बॉड या WPL। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बॉड हो जाएगा, ठीक है, BOD बॉड, ठीक है। तो बायो केमिकल ऑफ डिमांड, ठीक है, 5 यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इसमें कि किसी भी जो नदी की जो प्रदूषण के स्तर जो माप करी जाती है वो 5 दिन में उसका जो है सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो समुद्री शैवाल जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, लाइकेन है, परजीवी, रसायन, सपोसी या फिर अपघटक या सहजीवी। तो लाइकेन है परजीवी, ठीक है, लाइकेन परजीवी। अगला प्रश्न है, CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, वाहनों में, उद्योगों में, खाना पकाने में या फिर वाहन एवं उद्योगों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो CNG का
ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो वाहन और उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान विधि से, क्षेत्रीय भ्रमण से, समूह वार्तालाप से या फिर अध्ययन से? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्षेत्रीय भ्रमण से हो जाएगा, क्योंकि हम जितना ही क्षेत्र का भ्रमण करेंगे उतना ही हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस? तो LPG जो है वो जो संक्षिप्त रूप है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पृथ्वी पर पहुँचने से पहले जो ओजोन परत है वो किसका अवशोषण करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है? तो चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा, एबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे, पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की जो परिभाषा हो जाएगी वो होगी चीज़ें जो हमको घेरती, क्योंकि पर्यावरण का अर्थ क्या है, जब हम पर्यावरण को तोड़ेंगे तो परिधन आवरण यानी जो मतलब घेरे हुए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? इसका ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी? तो जीवों का जो व्यवहार का अध्ययन है वो इथोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है देवदार से, यूकेलिप्टस से, जेट्रोफा से या फिर यूट्रिकुलारिया से? तो बायोडीजल जो है वो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जेट्रोफा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून? तो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से? तो सिल्वीकल्चर जो है वो सिल्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंदौली। अगला प्रश्न 25 नंबर, झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में? तो झूम खेती जो होती है मेघालय में होती है। ठीक है, मेघालय में झूम खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्राइड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है या प्रबल अम्ल है या फिर प्रबल क्षार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्योंकि pH जो है वो जितना ही घटता जाता है वो उतना ही खतरनाक होता जाता है। ठीक है, यानी उतना ही प्रबल होता जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ एक सिंग युक्त गेंडा मिलता है? तो कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में, असम में, कर्नाटक या फिर केरल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार? ठीक है, मालाबार कहलाता है, कोंकण कहलाता है या फिर कन्नड़ कहलाता है या फिर उत्तरी कहलाता है? तो गोवा का जो दक्षिणी घाट है वो मालाबार कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो के 30 प्रश्न और एक प्रश्न आपके लिए। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर, यानी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ा तो आपको उसका आंसर आता होगा। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कालरा, जुकाम, मलेरिया, ये इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को अवश्य दबाएँ ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।